वकाड़ा से खबर शामिल करेंगे, जहां पर चक नंबर 6/4 सी के रिहायशी इरफान मसीह वल्द मुनव्वर मसीह के भाई और बहन को अगवा के बाद जबरी मजहब तब्दील करवा दिया गया। तफसीलात के मुताबिक वकाड़ा के रिहायशी ने थाना सदर में दरख्वास्त दी है कि 23 अप्रैल को रात 12 बजे ला रखा वल्द गफूर, जो अलीपुर 6/4 सी का रिहायशी है, दो नामालूम अफराद के साथ मिलकर असले के जोर पर मेरी बहन सहर मुनव्वर को जबरदस्ती अगवा करके ले गए, जिनके गवाह हारून वल्द यूसुफ मसीह और आशिर वल्द लियाकत मसीह हैं। उन्होंने बताया कि अल्लाह रखा वल्द गफूर दो नामालूम अफराद के हमरा असला के जोर पर आपकी बहन को अगवा करके ले गए हैं। वो उसी वक्त उनके हमरा अल्लाह रखा के रिहायशगाह पर गया तो वहाँ ताले लगे हुए थे। इससे पहले तकरीबन 3 माह मेरे छोटे भाई आदिल मसीह वल्द मुनव्वर मसीह, जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल है, जबरदस्ती मजहब तब्दील करवा चुके हैं। मेरे साथ सख्त ज्यादती हुई है, लिहाजा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मेरे बहन और भाई को बाजियाब करवाया जाए। मजीद उसकी फैमिली ने नेशनल न्यूज के नुमाइंदा सलीम बलोच से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वकाड़ा में, और यहाँ पे एक फैमिली है, वो भट्टे पे काम करती है, चेचक वकाड़ा से बिलोंग करती है। उनके साथ एक वाक्य पेश आया जो बहुत ही नाखुशगवार वाक्य है, तो आए हम इस फैमिली से इनके जो इनके साथ जो नाखुशगवार वाक्य पेश आया उसके बारे में इनसे पूछते हैं। मेरा बेटा जी वो मुसलमान है जी, उन्होंने मेरे बेटे ने अपने मजहब से कर लिया। फिर मेरी बेटी सी उन्होंने गवाह किया, असी सुते सी, उन्होंने गन लैके आ गए थे, तो रखा मुंडे का ना है। मेरी तरफ से सबको सलाम। बात कुछ इस तरह से है कि मैं आपसे, मेरी अपील है सबसे बहन भाइयों से, जो मेरा भाई है वो एक लड़के साथ उसकी दोस्ती थी, मुसलमान था वो, और उस लड़के ने मेरे भाई को 3 महीने पहले मुसलमान कर दिया, और उसके बाद मेरी बहन को गवाह करके ले गया। अभी वहाँ मैं डर है कि मेरी बहन को गवाह करके ले गए, मेरी बहन को ना कभी कहीं मुसलमान कर दें। तो हम लोग गरीब हैं, हमारी मदद करें। वो लड़का भट्ठे पे काम करता, हम लोग भी भट्ठे पे काम करते हैं, वो हाजी आदल के भट्ठे पे काम करता है। और मेरी अम्मी जो है, मेरी अम्मी के ऊपर गन रखी रात को 12 बजे, वो आए घुस आए रंटू भाई पे आया वो लड़का, तो उसने मेरी बहन को गवाह किया। अभी वो बिल्कुल छोटी है, 12-13 साल की है, इतनी उम्र भी नहीं है कि वो तो अपनी मर्जी कर सके। तो उन्होंने बाजू से पकड़ा, मेरी बहन को ज़बरदस्ती लेके गए हैं। हमारी अपील है सबसे, बहन भाइयों से, वज़ीर आला से सबसे अपील है कि वो हमारी मदद करें। बहुत ज़्यादा परेशान है, देखो मेरी अम्मी की हालत, क्योंकि असं बहुत गरीब हाँ, गन रखी मेरी अम्मी दे, तो बोलिया कि असं तेरी बेटी गवाह करके लैके जा रहे हैं। हूँ मैनू डर है, वे सानू सब नू, मेरे भरावान, मेरिया भरजाइयों, भैनों, सब नू डर है कि मेरे भरा मुस्लिम किया, तो हूँ मेरी भैन ना कर दे। उस तो बाद गल जरूरी है कि मेरी भैन बिल्कुल छोटी है, 12-13 साल की, इन्नी नहीं हैगी कि वो किसी, बिल्कुल उन्होंने बहुत ज़बरदस्ती की है, और बहुत ही गल् अस नहीं जानते, लेकिन साड़ी तुसी मदद करो, थोड़ी मेहरबानी है। वजीर आला अगे सब अगे दरखास्त है, क्रिश्चन बहन भाइयों के अगे दरखास्त है, मसीहा अगे सब अगे कि साड़ी मदद कर और सानू निकालन इस मुश्किल तो। सारे सलाम है मसीह भाइयों, मेरे भाण जी है, तो ये मेरे बहन है, इसके पहले भाई बेटे को गवाह किया, उसको मुसलमान कर लिया, अब हमें खतरा हमारी बेटी को ले गए ने, उसको ना कहते गवाह करके वो मुस्लिम नहीं करना कर लें, हमारी हुकूमत से दरखास्त है, तो मेरी बच्ची को वापस किया जाए। सब बहनों भाइयों से दरखास्त है कि हमारी बेटी को वापस किया जाए, न्यूज़ चैनल वाले को। सब मसीह भाई भाई को सलाम, साड़ी ये अपील है, मेरा भाई 3 महीने पहले उन लोगों ने मुसलमान कर लिया, तो मेरी बहन को भी उठा के ले गए हैं, तो वो रात को 12 बजे आए हैं, उनके पास गन थी, तो वज़ीर आला से ये अपील है कि हमको हमारी बच्ची वापस चाहिए। नेशनल न्यूज़ वाले का भाई सलीम का शुक्रिया, जो सा वाले।